हम देख रहे थे गाइस वेदरिंग्स ऑफ रॉक्स। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग से अपनी सॉइल फॉर्म होती है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट। यस, फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट। सो फिजिकल इफेक्ट में कौन से एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज, एब्रेशन, आइस एक्शन, एंड पेनेट्रेशन। ऑफ प्लांट रूट, प्लांट रूट का जो भी पेनिट्रेशन रहता है उसके कारण भी होता है, दैट इज ईटीसी एक्सेट्रा। और बाकी भी कारण रह सकते हैं फिजिकल वेदरिंग के, बाकी भी कारण रह सकते हैं फिजिकल वेदरिंग के। ओके, सो एग्जांपल्स यहां से, फिर ये एग्जांपल्स है फिजिकल वेदरिंग के। तो यहां से प्रोड्यूस क्या होता? प्रोड्यूस होता गाइस, प्रोड्यूसेस ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट, ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट। ओके, प्रोड्यूसेस ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट। Produces gravel, sand and salt. सुनाओ, केमिकल से क्या होगा? केमिकल एक्शंस होंगे केमिकल से। ओके, केमिकल से क्या होगा? केमिकल एक्शंस होंगे। सो विच आर द केमिकल एक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस? सो केमिकल वेदरिंग इट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन। कार्बोनेशन सोल्यूशन भी बोल सकते, कार्बोनेशन सोल्यूशन एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सी सॉइल प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस क्लेई सॉइल और क्ले। यानी क्ले कैसे होता? तो केमिकल रिएक्शन से होता। ओके, फिजिकल से क्या होता? ग्रेवल सैंड सिल्ट, ग्रेवल सैंड सिल्ट फॉर फिजिकल, क्ले फॉर केमिकल। ओके, और वेदरिंग ऑफ रॉक से कौन से सॉइल्स होते हैं? तो ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले, ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले, that is from physical. Okay, that is from weathering of rocks, from weathering of rocks, weathering of rocks, eh? That is inorganic soil, that is what, inorganic soil, this is nothing but inorganic soil. आप बोल सकते हैं इसको inorganic soil, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देख लिया है। Okay, next we discuss about geological cycle. बचपन में आपने बहुत बड़े ग्राफ्स वगैरह बनाए होंगे जियोलॉजिकल साइकिल के, मे बी। जियोलॉजिकल साइकिल, ओके,
ओके सो फर्स्टली यहां पे क्या होता है, ये हिल है, हिल का क्या होगा यहां पे वेदरिंग होगा, कटेगा हिल। अब वेदरिंग क्यों होगा, केमिकल एक्शन एंड फिजिकल वेदरिंग। ओके सो केमिकल एक्शन एंड फिजिकल वेदरिंग से क्या होगा कि यहां से सॉइल ट्रांसपोर्ट होना चालू होगी। ओके सो ट्रांसपोर्ट होना चालू होगी तो पहले सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग। सबसे पहला क्या हो रहा, वेदरिंग। देन यहां से यहां तक जब जा रहा तब क्या हो रहा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन, आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन डिपॉजिट, और डिपॉजिट जो लोअर साइड में डिपॉजिट हो रहा है, ये पानी नहीं है, सॉइल है। सॉइल इस तरह आ रही है, ट्रांसपोर्ट हो गया। आप बोलेंगे सर सॉइल का भी ट्रांसपोर्ट होता है? यस एग्जैक्टली, सॉइल का भी ट्रांसपोर्ट होता है। कैसी होता है वो अभी सामने देखेंगे, उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अपहिल्स, ये दूसरा अपहिल हो गया, वो हिल अपहिल, देन अगेन डाउन साइड को सेम स्टोरी रिपीट। ओके अपहिवल इट्स नथिंग बट अगेन फिर से सेम स्टोरी रिपीट, फिर से सेम स्टोरी रिपीट। Same story, फिर से same cycle repeat. Okay. So that is second. Third one it is deposit. And that is fourth. So maximum question asks from transportation of soil. कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल। ओके वेदरिंग होगा, वेदरिंग कैसे होगा, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होगा, अभी देखा अपन ने। ओके फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग होगा, वो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से नीचे पहाड़ी के नीचे सॉइल गिरेगी, तो वो गिरेगी यानी क्या हो रहा, ट्रांसपोर्ट हो रहा। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे, बाद में इसके बाद ट्रांसपोर्ट। ओके कैन आई रीच दिस, तृप्ति? हाँ सर। इरेज करू? हाँ सर। ओके सो नेक्स्ट रीडिंग इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू, ड्यू टू फर्स्ट विंड, हवा लेके जाएंगी। सेकंड हवा क्या लेके जाएगा, हवा अपने खुद के साथ सॉइल लेके जाएगा। सेकंड हवा इसे जाएगा, सेकंड वाटर से जाएगा सॉइल बहते हुए जाएगा। थर्ड ग्लेशियर से जाएगा, ग्लेशियर। एंड फोर्थ ग्रेविटी, ऊपर होगा तो नीचे खींच लेगा सॉइल, ग्रेविटी, ग्रेविटी से भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो विंड से ट्रांसपोर्ट,
जो भी जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हवा से उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। आप गाड़ी रखो, आप बाहर आपकी, और कुछ भी नहीं है, और दो दिन वैसे ही रखो, बिल्कुल धो धा के मस्त बिल्कुल रखो। दो दिन के बाद ऐसे ही आपका नाम लिख सकते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर, चंद्रपुर में तो ये कंडीशन है। ओके, सीट के ऊपर तो नाम आराम से लिख सकते हैं आप। तो ड्यू टू विंड, विंड के वजह से जो भी डस्ट आती है अपने यहाँ पे, और डस्ट आके वहां पे बैठ जाती है। ओके, तो विंड सॉइल लेके आती है साथ में, वाटर, वाटर के साथ भी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर के साथ भी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है। देन ग्लेशियर, अब ग्लेशियर के लिए तो आपने कहाँ पे जाना पड़ेगा, ग्लेशियर रीजन्स में जाना पड़ेगा, ग्लेशियर रीजन्स में जाके वहां पे देखना पड़ेगा ग्लेशियर से भी क्या होगा कि सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी। एंड ग्रेविटी, ऑब्वियसली यहां से नीचे कैसे आएंगी सॉइल, ड्यू टू ग्रेविटी से ही आएंगी। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऐसी सॉइल्स है। तो सबसे पहले विंड, सबसे पहले क्या देखते हैं, विंड, फर्स्ट इट इज विंड, विंड के वजह से क्या आता है। विंड, कैन आई रेज़ दिस साइकिल, ओके लिखो विंड, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड आर कॉल्ड एओलियन, एओलियन सॉइल। AO for wind, Li and transport. That's why AO Lian soil. Example, sand, dunes, लूज, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स आपके सैंड ड्यून्स जो भी रहते हैं वो रहते हैं, और लूज रहते हैं, सो लॉस जो आपके ऐश के पार्टिकल्स रहते हैं, ऐश कोयला चलाने के बाद जो ऐश आती है, दैट ऐश पार्टिकल्स इज नथिंग बट अगेन लूज, सो वो पार्टिकल्स आपके बाइक पे, आपके कार पे, आपके घर पे, आप पे, अगर आप बाहर रहे तो चढ़ जाते हैं। ओके, सो आप भी अगर दिन भर बाहर रहते हैं साइड पे, तो घर आने के बाद आपका अगर चेहरा आप देखते हैं, अगर आपने रुमाल यहाँ से और यहाँ से बांध रखा है, तो ये जो पार्ट रहता है ये अलग दिखता है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग दिखता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप दिन भर बाहर रहते हैं तो। दो तीन घंटा भी रहता है धूप काले में तो भी देखा होगा, धूप काला इज नथिंग बट मई जून, यस एग्जैक्टली, अप्रैल से तो स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो पता चलेगा, अभी से ही तो गर्मी हो रही। ओके, सो दैट इज विंड के वजह से। तो अभी विंड कौन सी तरह की विंड रही, ओके दिस इज अ विंड ब्लो डिपॉजिटेड, नेक्स्ट लाइन लिखो गाइस, दिस इज ए विंड ब्लो deposit, wind blow deposit consisting of silty size particles lightly cemented ab cemented yani kya cemented by CaCO3 क्या है गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट 3, क्या देगा कैल्शियम कार्बोनेट 3, इट इज नथिंग बट ट्राई कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देगा
सीमेंट के प्रॉपर्टीज आपने पढ़ने को होना। ओके, डाइकैल्शियम क्या देता है? ट्राइकैल्शियम, अर्ली स्ट्रेंथ बीसीएम। ओके, अर्ली स्ट्रेंथ CaCO3 से आपको मिलती है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट व्हाट? ऐश। दैट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट व्हाट? ऐश। ऐश सैंड के आपने जो भी ब्लो है वो ब्लो यानी आपका विंड ब्लो में आके आपकी गाड़ी पे वगैरह चिपक जाएंगे, तो वो कौन सा कंटेंट रहेगा? CaCO3 रहेगा, लाइट इट। ओके, मोस्ट लाइकली CaCO3 रहेगा। ओके, समझे क्या? यानी स्ट्रेंथन देने वाला ट्राइकैल्शियम कार्बोनेट आपके गाड़ी पे उड़ के आके बैठने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऐश, इन टर्म्स ऑफ ऐश। ओके ओके, सो ये कैसे होगा? विंड ब्लो से होगा, विंड ब्लो से होगा। अब सेकंड देखते हैं अपन इसके, विंड के लिए एओलियन। नेक्स्ट सेकंड इट इज वॉटर। अब वाटर से जो भी ट्रांसपोर्ट होंगी सॉइल, उस सॉइल को अपन बोलेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नो, लिखो सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर अलोंग द रिवर, water along the river, water along the river, river are called alluvial soil, are called alluvial soil. Alluvials, alluvial, alluvial, okay, alluvial. So Allu Arjun ने, Allu Arjun, पता है ना Allu Arjun कौन है? Maximum Telugu fans को Allu Arjun पता है, जो Telugu pictures देखते हैं उनको। So Allu Arjun का dance बहुत अच्छा है और उसने water पे dance किया, उसने पानी पे रिवर पे डांस किया। सो रिवर पे डांस किया इसलिए उसका क्या हो गया? रिवर पे, नॉट इन लेक एंड नॉट इन सी, रिवर पे ही डांस किया उसने, इसलिए वो सॉइल का नाम गिर गया, क्योंकि उसके जूते की सॉइल वहां पे लग गई और इसके वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो गया रिवर में से। और आंध्रा वाले कुछ भी कर सकते, वो डूबा नहीं, वो उसके ऊपर ही नाचा। कौन नाचा? अल्लू अर्जुन नाचा रिवर के ऊपर, तो उसके जूते की सॉइल लग गई वहां पे और वो ट्रांसपोर्ट हो गई। दैट ट्रांसपोर्टेड सॉइल इट इज नथिंग बट अल्लूवियल सॉइल। ओके, अल्लूवियल सॉइल, ये तो नहीं भूलूंगे आप, अल्लूवियल सॉइल इट्स नथिंग बट अल्लू अर्जुन का डांस किसके ऊपर? रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर का डांस था, इसीलिए उसके जूते की सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई रिवर से। ओके, रिवर से ट्रांसपोर्ट हो गई यानी वाटर से ट्रांसपोर्ट हो गई। ओके, सो मैंने क्या लिख के दिया आपको? क्या बोला? सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर आर कॉल्ड अल्लूवियल सॉइल, आर कॉल्ड अल्लूवियल सॉइल। आप सीधा बोल सकते हैं रिवर। अब वाटर बॉडीज कौन से रहते हैं? वाटर यानी ट्रांसपोर्टेड वॉटर रिवर, आप बोलोगे नाला, नाला इज नथिंग बट अ स्मॉल रिवर। ओके, नेक्स्ट इट इज स्मॉल स्ट्रीम भी बोल सकते हैं उसको, रिवर और स्ट्रीम ऑल्सो, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं आप। सो रिवर और स्ट्रीम, जो भी नाला हो गया वो आपका रिवर में आ गया। नेक्स्ट इट इज लेक एंड नेक्स्ट इट इज सी। ओके, सो लेक के लिए लैक्यूस्ट्रेन, लेक फॉर लैक्यूस्ट्रेन, इजिली याद रहने के लिए। Soil transported and deposited along the lake are called lacustrine. तो आप इतना बड़ा लिखने से बेटर है lacustrine लिख लो।
lack of strength. Soil. कैसे तो legs. लेक में जो भी सॉइल डिपॉजिट होगी और ट्रांसपोर्टेड होगी तो वो क्या कहलाएंगी? लैक ऑफ स्ट्रेंथ. और सी से जो भी होगी उसको क्या बोलेंगे? मराइन ड्राइव याद रखने का. और मराइन चीजें अगर अपन ने याद रखी तो मराइन इज नथिंग बट अ सी. तो ये कभी पूछा नहीं जाता. पूछा क्या जाता है? अल्लूवियल सॉइल. अल्लू अर्जुन फेमस है ना, दैट्स व्हाई अल्लू अर्जुन के वजह से अल्लूवियल सॉइल ज्यादा पूछी जाती है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. हीरो अल्लू अर्जुन, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सबको पता है लेक लैक ऑफ स्ट्रेंथ, सी मराइन, दैट्स व्हाई अल्लूवियल. एओलियन, दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस. एओलियन सॉइल, एओ एओ विंड, एओ विंड, लियन ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. कभी कभी एओ करके आपको सिमिलर वर्ड्स के लिए भी आपको यानी समानार्थी विरुद्धार्थी मराठी में बोल रहा मैं, एंटोनिम सिनोनिम्स. ओके, विरुद्धार्थी शब्द एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी आपके सिमिलर वर्ड्स. सो सिमिलर वर्ड्स के लिए भी पूछा जाता है इंग्लिश. और यही रहता है, टेक्निकल वर्ड्स ही रहते हैं, ऐसे कुछ नॉन टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा नहीं रहते. ओके, नेक्स्ट इट इज ग्लेशियर. थर्ड, व्हाट इज ग्लेशियर? लिखो, सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर. Soil transported and deposited by glacier. Transported and deposited by glacier. Transported and deposited by glacier are called glacier deposit soil. Are called glacier deposit soil. आप बोलेंगे सर glacier deposit soil, ये तो directly लिख के ये क्यों पूछेंगे? भाई पता रहने को ना, इसलिए बस नहीं पूछेंगे ये भी. That is also not important. But पता रहने को ना, क्या है glacier deposit soil? It is nothing but a drift. Drift. उसके सामने आप लिख लो glacial deposit soil के सामने drift till. Drift till. T-I-L-L. Till. So drift till अगर आया तो glacier deposit soil. Okay. Next, fourth one, gravity. Again important. Gravity, it is important. Okay. Again same words like what? Soil transported and deposited by gravity. Soil transported and deposited by gravity are called colluvial soil. Colluvial soil. Colluvial soil का example है hills के नीचे जो soil जमा रहती है, hills के just down side पे, that's nothing but टलस. यहां पे जो सॉइल रहेंगी, यहां पे वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने के कारण यहां पे सॉइल जमा रहेंगी, दैट्स टलस सॉइल. ओके, सो कोल्लुवियल. कुल्लू. आप बोलते हैं ना जो बहुत बहुत ही ब्लैक रहता है उसको कल्लू कल्लू बोलते हैं. इट्स नथिंग बट कल्लू.
सो ग्रेविटी के वजह से उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा धूप गिरती है। अब आप ये साइंटिफिक नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे सर कुछ भी बोल रहे हैं साइंटिफिक नहीं है कि धूप ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर गिरती है करके। तो ग्रेविटी उसके बाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर धूल भी बहुत ज्यादा रहती है और धूप भी ज्यादा रहती है और डस्ट भी ज्यादा रहता है। ग्रेविटी उसके पास बहुत ज्यादा अच्छी है करके, दैट्स व्हाई वो पूरा काला रहता है, पूरा काला रहता है। जस्ट लाइक मी इन 2009, मेरा 2009 का फोटो मैं आपको सेंड करता ग्रुप पे, तो आप पकड़ लेना कि तब मेरे पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। तो मेरा फोटो अगर आप 2009 का अगर देखते हो तो आपको कल्लूवियल का पता चल जाएगा, कल्लू, इट्स नथिंग बट अ कल्लू। तो कल्लू मीन्स ग्रेविटी, सीधा सीधा कल्लू मीन्स ग्रेविटी, अल्लू मीन्स वाटर एंड एओ मीन्स विंड। तीन आपको याद रखना, तीन आप ऊपर लिख लो आपके हेडिंग पे, कल्लू मीन्स ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट कल्लू, इट्स नथिंग बट को कल्लू कल्लूवियल, सॉरी इट्स नथिंग। आप बोलोगे सर आपने प्रोनाउंसिएशन ही बेड़ा डाला, आप कल्लूवियल ही पकड़ो ना, ओके देन अल्लू एंड देन एओ, एओ फॉर विंड। रिवर के लिए कौन सा है, अल्लू रिवर के लिए, वाटर में वाटर ट्रांसपोर्ट से यानी रिवर, एंड ग्रेविटी कल्लूवियल, कल्लूवियल नॉट अ कल्लू, कल्लूवियल, कल्लू है लेकिन हम कल्लू ही बोलेंगे अपने हिंदी लैंग्वेज में, ओके आपको मैं दिखा सकता हूं वैसे अभी भी कि मेरा फोटो आप देखोगे तो नहीं पहचानोगे कि मैं हूं करके। वन मिनट, कभी कभी रहता है कोई कोई सीजन्स में यानी इस तरह के ये रहते हैं, ओके सॉरी अभी नहीं है, वन मिनट मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं ग्रुप पे डालूंगा, मैं सीरियसली ग्रुप पे डालूंगा, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज। अब तो हमने ये वेदरिंग्स देख लिया, यानी ओरिजिन ऑफ सॉइल कहां से कैसी जनरेट हुई, ये हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा ऑर्गेनिक, देन हमने देखा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी हमने देखा फिजिकल एंड हमने देखा वेदरिंग्स, हमने देखा सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग्स। सो वेदरिंग्स से हमने सिर्फ ये देखा कि ये यहां से किस तरह सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांसपोर्ट देगा, वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट के बाद अब फील्ड्स बनेगा, ओके तो इस पे कौन से फोर्सेस गिरते हैं, ये फोर्सेस भी अपने को निकालना। तो हम अभी डिस्कस करते हैं, डिस्कस अबाउट फोर्सेस, ओके डिस्कस अबाउट दैट फोर्सेस। इरेज करूं मैं ये, ओके याद रखना इस ये चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपके अल्लूवियल, एओलियन एंड कोल्लुवियल, ये तीनों सॉइल ही इंपॉर्टेंट है, एंड मोंटोमोरोलाइट, हम सामने देखते हैं मोंटोमोरोलाइट क्या है, ठीक है, ये चार वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर्स में ये पूछे जाते हैं। फोर्सेस, तो विच आर द फोर्सेस, फर्स्ट body force, second surface force, surface forces। so body forces कौन से सबसे पहले proportional to mass, example weight, dominance in gravel and sand, ग्रेवल और सैंड में आपको दिखेगा,
ओके सरफेस फोर्स, ये बॉडी फोर्स, बॉडी वेट, जिसका वेट ज्यादा, वेट क्या में दिखेंगे आपको, ऑब्वियसली आपको वेट दिखेगा ग्रेवल में और सैंड में वेट दिखेगा, ओके ग्रेवल में और सैंड में आपको वेट दिखेगा, जिसका मास ज्यादा है, ओके जिसका मास ज्यादा है प्रोपोर्शनल टू मास। सरफेस फोर्स, प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। दैट एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल, फोर्सेस कोहेजन डोमिनेंट इन क्ले, क्ले में देखना आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ना, पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं और आपने अगर प्लेन सरफेस पे डाल दिया तो अगर आपने एक ग्राम भी ले लिया, एक ग्राम आपने ग्रेवल ले लिया और एक ग्राम आपने क्ले ले लिया, तो क्ले आपका जो एरिया है वो ज्यादा कवर्ड करेगा एज कंपेयर टू ग्रेवल और सैंड, एज कंपेयर टू ग्रेवल और सैंड आपका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया कौन ज्यादा कवर करेगा, क्ले, ओके यानी एक ग्राउंड पे अपन ने बिछा दिया था, ओके तो वो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया है कि कितना एरिया कवर कर रहा है एक ग्राम में या फिर एक वॉल्यूम में अगर आप देखते हो तो, ओके एक वॉल्यूम में अगर आप देखते हो तो यानी एक लीटर और आपने सपोज हाँ आपने वन क्यूबिक मीटर एक ले लिया, वन क्यूबिक मीटर आपने क्या ले लिया, वन क्यूबिक मीटर आपने ग्रेवल ले लिया और वन क्यूबिक मीटर आपने क्या ले लिया, क्ले ले लिया, तो क्ले आपका वन क्यूबिक मीटर बहुत ज्यादा यानी पसर जाएगा लेकिन वन क्यूबिक मीटर आपका जो ये है ग्रेवल है वो कम कम एरिया कवर करेगा, कम एरिया कवर करेगा, तो जो सबसे ज्यादा कवर करेगा उसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया ज्यादा रहेगा, तो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर क्या होगा कि सरफेस फोर्स लगेगा, सरफेस फोर्स लगेगा, शेयर फोर्स, ओके दैट इज कोहिजन, दैट इज कोहिजन फोर्स लगेगा, तो कोहिजन कहां पे अपन लेंगे, कोहिजन हम लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सामने भी तुमको काम में आने वाला है, कोहिजन क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्ले का ज्यादा है इसलिए वहां पे कोहिजन लग रहा है, इसलिए वहां पे क्या लग रहा है, सरफेस फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम वहां पे कोहिजन जो भी कंसिडरेशन करते हैं वो कौन सा करते हैं, क्ले करते हैं, एंड सैंड एंड ग्रेवल इट इज नॉन कोहेसिव सॉइल बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया इज लेस, सरफेस फोर्स वहां पे नहीं है इसलिए सरफेस फोर्स है क्ले में, ओके क्ले में, दैट्स व्हाई हम कोहेजन क्ले में ही कंसीडर करते हैं, ओके ओके। अब बात आती सिल्ट की, बात आती सिल्ट की, तो ग्रेवल सैंड हो गया एंड क्ले हो गया, ग्रेवल सैंड के लिए कौन सा है आपका बॉडी फोर्स, सिल्ट के लिए कौन सा है सेकंड इट इज सरफेस फोर्स, ओके तो इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ सिल्टी सॉइल बोथ बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज नियर अबाउट टू सैंड एंड नेवर नियर अबाउट टू क्ले, इन दोनों के बीच में ही है, सो दैट्स व्हाई दोनों आएंगे, यानी बॉडी फोर्स भी आएगा और क्या आएगा आपका सरफेस फोर्स भी आएगा, बोथ बॉडी फोर्स एंड बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी सिल्टी के लिए, यानी सिल्ट के लिए आपका बॉडी फोर्स भी लगेगा और आपका क्या लगेगा सरफेस फोर्स भी लगेगा, ओके बॉडी फोर्स भी लगेगा और सरफेस फोर्स भी लगेगा,
नेक्स्ट हेडिंग फील्ड नेम लोमी सॉइल अ मिक्स ऑफ सैंड सल्ट एंड क्ले मुरुम देन नेक्स्ट मुरुम ए ग्रेवल मिक्स्ड विथ रेड क्ले वराइड क्ले वो राइड क्ले इट कंटेन्स इट इज अ क्ले क्ले contains altar alternate layers of silt and clay that is important huh? That is lacustrine soil. What is lacustrine soil, guys? Lake mein jo bhi deposited hoti hai, that soil it is nothing but a lacustrine soil. Deposited and transported in lake water. That is lacustrine soil. Next it is. Bentonite clay. A decomposed volcanic soil, volcanic ash. Decompose volcanic ash. Bentonite slurry is called drilling mud. It's called drilling mud. देखो अब यहां पे क्या रहता है One minute, guys. यहाँ पे क्या रहता है यहाँ पे केसिंग रहता है केसिंग पाइप जैसी और यहाँ पे आपका बेंटोनाइट सॉइल जो है वो बाहर निकलती है स्लरी फॉर्म में बाहर निकलती है आपने कभी
बोरवेल करते हुए देखा होगा, केसिंग डालते हैं पहले, ओके और अब जब बोरवेल करते हैं तब क्या होता, अंदर की जो सॉइल है स्लरी जैसी निकलती है, यस देखा होगा आपने, स्लरी जैसी बाहर 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 बाहर, दैट सॉइल इट इज नथिंग बट बेंटोनेट क्ले, ओके बेंटोनेट क्ले। और बेंटोनेट सॉइल, बेंटोनेट क्ले और वी कैन से आल्सो बेंटोनेट सॉइल, बेंटोनेट सॉइल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसी का फील्ड नेम में ही ब्लैक कॉटन सॉइल, क्ले ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, क्ले ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, पैरेंट रॉक जो है इसका, दैट इंपॉर्टेंट ना, पैरेंट रॉक पूछा जाता है, क्ले का पैरेंट रॉक है बसाल्ट, बसाल्ट जो अपने विदर्भ में सबसे ज्यादा मिलता है, विदर्भ एंड मध्य महाराष्ट्र, बसाल्ट ट्रैप, बसाल्ट एंड ट्रैप, इट इज द पैरेंट रॉक ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, पैरेंट रॉक ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, यवतमाल सबसे ज्यादा कॉटन निकलता है, कॉटन सबसे ज्यादा निकलता है यवतमाल। सो गाइस ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट्स लार्जली और लार्ज स्वेलिंग and shrinkage and shrinkage due to the presence of presence of मोंट मोरिलोनाइट क्ले यानी क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल, मोंट मोरिलोनाइट क्ले यानी क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि मोंट मोरिलोनाइट क्ले यहाँ पे यानी मोंट मोरिलोनाइट केमिकल, इट्स नथिंग बट मोंट मोरिलोनाइट क्ले उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए ओके दैट्स व्हाई मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल मिनरल प्रेजेंट रहता है, इसलिए स्वेलिंग और उसका ये जो है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग सबसे ज्यादा रहता है। इट इज बेस्ट फॉर क्रॉप इरिगेशन एग्रीकल्चर, ओके इट इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर बट इट इज वर्स्ट फॉर स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर फाउंडेशन, इट इज वर्स्ट फॉर फाउंडेशन, अब इसके नीचे लिख लो प्लीज, इट इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल यूज के लिए सबसे बढ़िया है, ओके, बट इट इज वर्स्ट, वर्स्ट फॉर फाउंडेशन, वर्स्ट फॉर फाउंडेशन यानी दुश्मन है अपना, अपना यानी सिविल इंजीनियर्स का, जो भी फाउंडेशन वगैरह करते हैं सिविल इंजीनियर्स ले करते हैं, उसका कौन है, दुश्मन है मॉन्टोमरी लाइन के, ओके। सो जहां पे भी क्ली सॉइल रहती है वहां पे अपन सीधा राफ्ट फाउंडेशन करते हैं और पाइल फाउंडेशन करते हैं। जब तक अपने को पाइल फाउंडेशन कब तक करते हैं, जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है तब तक, और रिम्ड पाइल करते हैं अगर हार्ड स्ट्रेटा है ही नहीं, नीचे सॉइल ही अपना सैंडी है तो रिम्ड पाइल करते हैं। और अगर यानी मेरा थोड़ी देर के नीचे ने कुछ 5 से 6 फुट खोदने के नीचे मुझे मिलता है मेरा हार्ड स्ट्रेटा, तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, पूरा खोद लेता हूँ पूरा का पूरा, और मैं राफ फाउंडेशन डायरेक्टली मैं डाल देता हूँ, राफ फाउंडेशन से भी मैं जा सकता हूँ, ओके। तो क्ले ही सॉइल में ऐसी करते हैं, ओके। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपने सिटी में, चंद्रपुर सिटी एंड यवतमाल सिटी एंड नागपुर, ये बेल्ट में मैक्सिममली आपको ब्लैक ऑन सॉइल मिलेगी, और यहाँ पर मैक्सिममली फाउंडेशन जो भी है वो सादे फाउंडेशंस किए जाते हैं, लेकिन उसमें जुगाड़ में क्या होता है कि बाद में फिर क्रैक्स आते हैं, तो दैट क्रैक्स ऑकर ड्यू टू दैट ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर आपने शुरुआत में ही पूरा डक कर लिया और वहां पे आपने अच्छे से अगर बीम के साथ कास्ट करके आपने राफ फाउंडेशन डाल दिया तो बेटर रहता, लेकिन राफ फाउंडेशन कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पे जिसके पास पैसा ज्यादा है या फिर बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर ग्राउंड स्ट्रक्चर करना है तो सीधा पैड फाउंडेशन करके लोग उठा लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर ये क्रैक आ गया। तो क्रैक आने का कारण क्या रहता, अलाउ ही नहीं है आपको पैड फुटिंग, कहाँ पे, आपके क्ली सॉइल पे। अगर आपको वहां पे रॉक मिल रहा है नीचे क्ली सॉइल के नीचे, अगर आपने 6 फुट 7 फुट अगर आपने खोद लिया गड्ढा, उसके नीचे अगर आपको रॉक मिल रहा है, देन वी प्रोवाइड व्हाट, पैड फुटिंग। बट अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, अगर आपको क्ले ही मिल रहा है 7 फुट के नीचे भी, सो डोंट गो फॉर अगेन डिकिंग अगेन। आप डिक करने से बेटर है कि सीधा सीधा आप पूरा निकाल लो 5 से 6 फुट नीचे, आप 2 मीटर के आसपास एक्सकैवेट कर लो पूरा का पूरा सॉइल, और वहां पे डायरेक्टली आप प्रॉप फाउंडेशन प्रोवाइड कर लो, ओके। सो ये बेटर रहता है। लास्ट बस इंपॉर्टेंट लाइन, द टर्म्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सर हार्ड स्ट्रेटा म्हणजे मुरुम असतं, हार्ड स्ट्रेटा इज नथिंग बट अ मुरुम और इज नथिंग बट अ रॉक और रेडी सॉइल, और रेडिश सॉइल अगर आपको मिल रही है नीचे, यानी आपको मुरुम मिल रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इज नियर अबाउटली 200 केपीए के आसपास आपको मिल रही है, देन वी प्रोवाइड पैड फुटिंग। बट अगर आपको काली मिट्टी ही मिल रही है, इट्स नथिंग बट अ ब्लैक, ब्लैक सॉइल ही आपको मिल रही है, काली मिट्टी मिल रही है, सो देन डोंट टेक अ रिस्क, टेक अ राफ फाउंडेशन, ओके। लिखो लास्ट लाइन, द टर्म्स सॉइल मैकेनिक्स वॉज कॉइंड बाय टर्जागी, कॉइंड बाय टर्जागी, किसने किया है, टर्जागी ने ही पूरा सॉइल मैकेनिक्स, मैक्सिमम पूरा नहीं, मैक्सिमम सॉइल मैकेनिक्स किसने दिया है, टर्जागी ने ही दिया है। तो ये था पहला चैप्टर आपका, पूरा पहला चैप्टर आप आपके जो बुकलेट है वो बुकलेट से पूरा पढ़ लो। हम कल के लेक्चर में देखेंगे सेकंड चैप्टर, थोड़ी देर में हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन।